2 बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित ये गणित की पुस्तक गिनतारा, दो पाठ पिछले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं। अब ये तीसरा पाठ, जोड़ जोड़ कर खेलो खेल। प्यारे बच्चों, आओ जोड़ने का खेल खेले। चार चार की टोलियां बनाओ। अपनी कापी में 15 से 20 तक की कोई एक संख्या लिखो। बारी बारी से पासा फेंको। जितनी संख्या है उतने कंकड़ उठाओ। जो सबसे पहले लिखी संख्या के बराबर या अधिक अंकड़ एकत्रित करेगा वही जीतेगा। तो इस तरह एक खेल खेला गया। अब इस वीडियो के माध्यम से, इस विधि के माध्यम से हम जोड़ना सीखेंगे। जैसे पहले किसी का 4 आया, फिर 3 आया, फिर 5 आया, फिर 6 आया, तो 4, 3, 7, 5, 12, 6, 18, इस तरह हमारे 18 अंक हो जाएंगे। ये खेल हम लोग खेल सकते हैं। उसके बाद जोड़ो और लिखो। यहाँ पर हमें लट्टुओं को गिनना है, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4। अब 5 और 4, 9 हो गए। और यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 6 और 3, 9 हो गए। यानी कि अब हम देखते हैं कि 5 + 4 = 9 और 6 + 3 तो भी 9। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर, अब इस तरह यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 9 हमको लाना है। ये भी एक गतिविधि है, एक खेल खेल सकते हैं इस तरह। अब 8 में कितना जोड़ें, 1 हो जाए, 9 हो जाए, तो यानी कि 1 जोड़ेंगे। 7 में भी कितना जोड़ेंगे, 9, 2 हो। इस तरह हम यहाँ पर, मेरे पास 14 टॉफी, मेरे पास 21 टॉफी, समा और रौनक के पास कुल कितनी टॉफी। अब इनकी टॉफियों को जोड़ना, इनके पास 14 टॉफी हैं और इनके पास 21, तो सीधा सा हम जोड़ना सीखेंगे। तो 14 + 1 = 15 और 20 = 35, इस तरह भी जोड़ना सीखें। 21 + 4 यानी कि 25 और 1 = 26। दूसरा तरीका, श्याम और रौनक की टॉफी में अलग अलग 10-10 की ढेरियाँ हैं। श्याम की टॉफी की संख्या 14, रौनक की टॉफी की संख्या 21। 10 टॉफी की एक ढेरी तथा 4 अलग, 10 टॉफी की 2 ढेरी और 1 टॉफी अलग। तो हम कैसे जोड़ेंगे, 10, 10, 20, 10, 30, उसके बाद 4 और 1, 5, यानी कि 35 टॉफी हो गई। यहाँ पर हम जोड़ना सीख रहे हैं, ढाई और इकाई। श्याम, समा और रौनक के पास कुल, अब देखिए 14 में हमें 21 जोड़ना है। वैसे कोशिश हमेशा ऐसा करें कि बड़ी संख्या ऊपर रखें, छोटी संख्या नीचे। अब 4, 1, 5, 2, 1, 3, यहाँ पर हमें ढाई वाले सवाल नहीं लगाने हैं, यहाँ पर सीधा सीधा जोड़ना है। और ये कक्षा 2 का गणित है, तो यहाँ पर हम जोड़ना सीखते हैं। इसी तरह पर हमें छोटे छोटे जोड़ सीखना है, 2 और 5, यहाँ पर 7 और 8, 1, 9, यानी कि 9, 7, 97, यानी कि 97। तो इस तरह हमें जोड़ना सीखना है। दो संख्या भी जोड़नी आती, 3 अंकों की यानी कि सैकड़ा वाली भी संख्याएं जोड़नी है, और इसी तरह जोड़कर नीचे लिखना है। तो ये था, ये तीसरा पार्ट है। यहाँ पर गोपी ने ऐसे भी जोड़कर देखा। अब देखिए 27 + 15, उसको जोड़ने हैं। तो उसने क्या किया कि यहाँ पर उसने 7 इकाइयाँ इसकी ली और 5 इकाइयाँ इसकी, 7, 5, 12, ठीक है। अब यहाँ पर वो ढाई वाले सवाल लगा रहा, और उसके बाद 20 और 10, 30 और 30 में 12 जोड़ दिया, यानी कि 42 हो गए। यहाँ पर देखिए जोड़ रहा, 27 + 15 जोड़ रहा, तो कैसे जोड़ रहा है, 7, 5, 12 और 1 हासिल लिया, हासिल गया इधर, घटाना तो नहीं, जोड़ना है तो हासिल इधर, देखिए घटाने में हासिल इधर 1 आता है और यहाँ पर जोड़ में इधर जाता है। तो एक नया कॉन्सेप्ट है, 7, 5, 12 और 1 जोड़ दिया, 3, 1, 4, 42। इस तरह हम छोटी छोटी संख्याएँ कक्षा 2 में जोड़ना सीखेंगे, ढाई और सैकड़ा की संख्याएं इस तरह। अब देखिए यहाँ पर 8 में 9, 17, 1 हासिल, जब यहाँ 17 हो गए तो 1 यहाँ का चला गया ऊपर। अब 1, 7, 8, 5, 13, फिर यहाँ पर 13 हो गए, तो यहाँ का 13 का जो 1 है ढाई, वो फिर यहाँ चली गई सैकड़ा पे, और 1, 4, 5, 3, 8, और इस तरह 8 से 37 हो गए। इकाई को इकाई में, ढाई को ढाई में तथा सैकड़े को सैकड़े में जोड़ा जाता है। जब इकाई के अंकों का जोड़ 10 या उससे अधिक हो तो उसमें जितनी ढाई बनती हैं उनको ढाई में हासिल के रूप में ऊपर लिखकर ढाई के अंकों में जोड़ते हैं, इकाई को इकाई के नीचे लिखते हैं। तो हमेशा बच्चों ये हमेशा ध्यान रखना है कि क्या करना है, कि इकाई के नीचे इकाई रखना है और ढाई के नीचे ढाई। अगर हमारी ये संख्याएं सही नहीं रखी हैं तो हमारा जोड़ का जो उत्तर है वो कुछ अलग भी हो सकता है। अमित के पास 15 पेंसिल, गर्मा के पास 20 पेंसिल, रहमान के पास 11 पेंसिल। अब कुल कितनी पेंसिल, तो सबकी पेंसिलों को जोड़ दीजिए।
15 के नीचे 20, के नीचे 11। अब देखिए इसमें इकाई 5, तो इसमें इकाई 0, तो 5 के नीचे 0 रहना चाहिए, और यहाँ पर इकाई 1, तो 0 के नीचे 1, तब जोड़िए। इसी तरह ये सवाल आप लिखिए अपनी कॉपी पर। इन सवालों को ये इवारती प्रश्न कहे जाते हैं, इनको आप जोड़िए अपने शिक्षक से, जांच इनकी जरूर कराएं। और अगला पाठ है बिंदिया की दुकान, तो यहाँ भी यहाँ हम घटाना सीखेंगे। चलिए अगले पाठ में सीखते हैं। और ये पाठ 3 था। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, बहुत कुछ सीखेंगे, बहुत कुछ जानेंगे आप कहें। और किसी प्रकार की कोई समस्या रहेगी तो हमारा सहयोग रहेगा। आप सभी को बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत नमस्कार। पाठ 4 बिंदिया की दुकान पर अगले वीडियो में मिलेंगे।